मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में एक स्थान ऐसा भी है जहां देश का भविष्य हाथ में जूते चप्पल और 1 से 1.5 फीट गहरे बदबूदार कीचड़ से गुजरकर स्कूल जाने को मजबूर है। नौनिहाल रोजाना कीचड़ से गिरते पड़ते स्कूल पहुंच रहे हैं, वहीं कपड़े खराब हो जाने पर शिक्षक वापस अपने घर को लौट जाते हैं। जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर बड़वा तहसील की ग्राम पंचायत लोंदी के ग्राम टांडा से जगतपुरा की मेन सड़क को जोड़ने वाला यह 2 किलोमीटर लंबा कच्चा मार्ग बारिश के दिनों में एक नाले का रूप ले लेता है। घुटने घुटने पानी और दलदल से भरे कीचड़ में इस मार्ग से आमजन का निकलना तो मुश्किल है ही, लेकिन 500 से ज़्यादा आबादी वाले ग्राम टांडा के विद्यार्थियों सहित ग्रामीण जनों को मजबूरन इसी मार्ग से गुजरना पड़ता है। वहीं विद्यार्थियों को हाई स्कूल जाना पड़ता है। वर्षों से पंचायत जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की अनदेखी का शिकार बना हुआ है यह दलदल रूपी मार्ग। दो पहिया वाहनों से भी आना जाना संभव नहीं है। वहीं बीमार और गर्भवती महिलाओं के लिए भी मुसीबत बने मार्ग से ग्रामीण जन स्वास्थ्य सुविधाओं को वंचित रहते हैं। मजबूरन स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को साफ सुथरे पहनकर हाथ में जूते चप्पल उठाकर घुटनों तक कपड़े मोड़कर दलदल को पार करना पड़ता है। कई बार फिसलकर गिरने के बाद बच्चों को वापस घर लौटने से अलावा कोई दूसरा चारा नहीं रहता है। जिस मुसीबत से भरे सफर से होकर बच्चे ग्रामीण गुजर रहे हैं, उससे सरकार के विकास के सारे दावे खोखले साबित होते हैं। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। मनीषा राठौर, मेरे पिताजी का नाम दिनेश राठौर है। हमको दिक्कत आने पड़ती है नाले में, हमको बस भी नहीं बैठाती है और टीचर हमको घर भेजती है। मेरा नाम रोहन राठौर है, मैं ग्राम खेड़े चांडा में रहता हूँ। हम प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, घर से स्कूल के बीच में ये नाले का रास्ता पड़ता है, यहाँ पर हम खराब हो जाते हैं। बारिश के समय में बहुत पानी तक आ जाता है, हमारे स्कूल ड्रेस खराब हो जाती है। सर बोलते हैं कि स्कूल में जाते हैं तो सर बोलते हैं कि तुम वापस जाओ, अपनी ड्रेस चेंज करके आओ। हाँ, ये बात अभी संज्ञान में आई है कि जगतपुरा से टांडा के रोड बहुत ख़राब हो गया है, कीचड़ में बच्चे लोग निकल रहे हैं। मैंने CO को बताया है तो बहुत जल्दी उसमें मुरुम वगैरह डलवा के आने जाने के लायक रास्ता बना दिया जाएगा। हाँ, टांडा से जगतपुरा तक 2 किलोमीटर का रास्ता है और बच्चे उनको निकलने की समस्या, क्योंकि घुटना तक जाते हैं, कीचड़ इतना भरा हुआ है और वहाँ से चले कोई बीमार था भी पड़ जाए तो कोई डॉक्टर या कोई आने को मंजूर नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे कीचड़ बहुत है, गाड़ियाँ निकलना मुश्किल हो जाती है। अभी तो आम इंसान निकले तो वो निकल नहीं पाते क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो बच्चे स्कूल जाते हैं। ग्राम मैंने कि हमारे खेत डांडा निर्मल ग्राम घोषित हो चुका है, और अभी तक हमारे यानी कि बच्चों और वाइक यानी कि निकलने की बहुत समस्या, हमारे रोड अभी तक नहीं बना। हर विधायक हर सरपंच यही बोलते हैं कि हाँ बन जाए पर अभी तक बना नहीं। मेरा नाम लखन मेहरान है, मैं ग्राम टांडा का निवासी हूँ, मेरी पंचायत लोंदी भी है और मेरा रोज का आना जाना यही रास्ते से होता रहता है। स्कूल के बच्चे भी यही रास्ते से आता है। ये टांडा से लगाकर जगतपुरा तक 2 किमी पूरा रास्ता कीचड़ से भरा हुआ है और गोड़े गोड़े तक यहाँ पर पानी रहता है हर मौसम में। बच्चों को आने में वो तकलीफ रहती है। कई बार तो ऐसा हो गया है कि डिलीवरी वाली महिला की डिलीवरी रास्ते में हो जाती है। ऐसे कीचड़ में 2 बार तो गाड़ी पलटी खा चुकी है, फिर भी शासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। रोज बच्चों को ऐसे आना जाना पड़ रहा है, ग्रामवासी भी ऐसे ही आ रहे हैं, कभी कपड़े खराब हो रहे हैं, कभी पैर खराब हो रहे हैं। ऐसे हालातों में बस वाले भी बच्चों को स्कूल वालों को बैठाते नहीं है, उनके भी कपड़े गंदे हो जाते हैं, एक दूसरे मतलब ये करते रहते हैं कि इनके कपड़े गंदे हैं, ये वहाँ से बदल आते रहते हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, सरपंच मंत्री ऐसे ही जा रहे हैं ये रास्ते। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।